ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर में दो दिन पूर्व अपनी बहन के साथ दूध लेने गए 5 वर्षीय बच्चे को एक महिला द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था, जो वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया है। सोमवार को 4 तारीख को जनपद ललितपुर के थाना कोतवाली में नेहरू नगर क्षेत्र से करीब 5 साल की उम्र का एक लड़का आशीष, उसको किडनैप कर लिया गया था एक महिला द्वारा। इस घटना के तुरंत बाद जनपद ललितपुर की पुलिस टीम जो है चौकन्नी हो गई, सतर्क हो गई। लोगों के द्वारा इस अपहृत लड़के की बरामदगी के लिए करीब 15 टीमें लगाई गई थी। 15 टीमों के द्वारा पिछले 2 से 3 दिन के अंतर्गत करीब 72 घंटों के अंदर में हम लोगों ने इस अपहृत बच्चे को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, बरामद किया है। इस पूरे काम में करीब 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम जब हुआ है इसमें एक महिला है, इनका नाम है गीता, उन्होंने जो है इस बच्चे को किडनैप किया था बेचने के लिए। ये जिस व्यक्ति को बेचा है ये थाना मड़ावरा के रानी गांव का व्यक्ति है। मैनपुरी में स्वाट टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस की निगरानी में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल बदमाश मैनपुरी समेत कई जनपदों में वांटेड चल रहा था। बुलंदशहर के औरंगाबाद पुलिस ने चांस स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लुटेरे चलते फिरते राहगीरों को डरा धमका के और गुमराह करके लूट की घटना को अंजाम देते थे। मुरादाबाद में गौ तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े गौ तस्कर किया जा रहा है। भारतीय गौ रक्षा सेना की टीम ने आज गायों से लदी 2 गाड़ी पकड़ी और पुलिस को सुपुर्द कर लिया, लेकिन अगवानपुर चौकी के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने दोनों गाड़ियों को उच्च अधिकारियों को बिना बताए छोड़ दिया। मैंने हमारी टीम ने 2 गाड़ी तो पागड़े थाने को दी, जिसमें 4 गाय थी, और 3 पिकअप अगवानपुर चौकी को दी। लेकिन अगवानपुर चौकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गोकसी हो रही है, वहाँ के चौकी इंचार्ज के शर्म गोकसी हो रही है, और चौकी इंचार्ज ने गौ तस्करों से पैसे उल्टे कार्यकर्ता को थाने बैठाई। ये शर्म की बात है कि मुरादाबाद की पुलिस इतनी, हमने पहले भी कहा कि मुरादाबाद की पुलिस गौ तस्करी करा रही है, गौ रक्षा करने वालों को फंसा रही है। कन्नौज विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिले के 10 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। जहां 1351 वोट हैं, तो वहीं DMSP ने मतदान बूथों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की है। देहरादून में गंगोत्री और यमुनोत्री 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए देश विदेश के लोगों के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जिसको देखकर लग रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए, इस बार जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस विषय पर जब चर्चा की गई थी, तब ये निर्णय लिया गया था कि इस बार जो यात्रा पे आएंगे हम सभी को सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर ले। तो उसके लिए वो पोर्टल जो है, जो उस पे पोर्टल पर, हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे, जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से कभी आज तक वहां पर गिनती नहीं हुई है, इसीलिए अभी शासन को कदाचित ये संभव नहीं है कि आज की डेट में कोई उसमें नंबर्स लगा दे। तो साथ ही जो है वो स्थानीय कंसल्टेशन, स्थानीय प्रशासन का कंसल्टेशन, ये चीज़ें भी करने की आवश्यकता है। अमेठी में अज्ञात कारणों से कोतवाली परिसर में आग लग गई। वही आग लगने से कोतवाली परिसर में खड़ी एक वैन जल गई। आग लगने से 4 मोटरसाइकिल आग की चपेट में आ गए, जहां आनन फानन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। राजधानी लखनऊ में नशेड़ियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, तो वहीं नशेड़ियों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। दरअसल थाना आशियाना के LDA सेक्टर जी मल्टी एक्टिविटी के सामने सड़क पर धड़ल्ले से खुलेआम दारू की पार्टी चल रही है।
अमेठी में नौकरी का झांसा देके 8,84,000 रुपए लेकर फरार हो गया। दरअसल मृतक आश्रित की नौकरी दिलाने के नाम पर अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र के युवक ने लाखों रुपए ले लिए, तो वही पीड़ित ने इसकी शिकायत कमरौली थाना में की। लक्सर के मिर्जापुर सादात में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाला राशन डीलर आम उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने में धांधली कर रहा है। लोगों के अनुसार वो राशन ले जाने वाले लोगों से अभद्र व्यवहार करता है। परेशान लोगों ने लक्सर उप जिलाधिकारी से मुलाकात की और राशन डीलर के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कठोर कार्यवाही की मांग की है। मामला ये है, हमारा गाँव मिर्जापुर सादात प्लस न्यामतपुर दो गाँव है, पंचायत दोनों की एक है, और हमारे यहाँ जो है फिलहाल एक राशन डीलर है तो लक्ष्मी चंद, उसके द्वारा एक तो धांधलीबाजी की जा रही है और एक हमारे जो समाज के लोग हैं जो भी वहाँ पर रह रहे हैं सबके साथ असभ्यता से बात करता है, उनके सम्मान से बात नहीं करता। पहली बात तो ये, माल मिले या ना मिले लेकिन आपने सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो साइन करा ले रहा लोगों से, राशन नहीं बांट रहा। हमारे एक श्याम सिंह अनामतपुर के, उनके साथ में यही हुआ, उनके राशन कार्ड में चढ़ा दिया, राशन उन्हें दिया नहीं। कुल मिला के घुमा फिरा के सारी बात हमारी ये आ रही है कि भाई इसे हटाया जाए और इसके खिलाफ जो भी इसने 225 कुंटल गेहूँ उठाया और इसने दो दिन मात्र बांट के दिखा दिया, कैसे बढ़ गया, फरवरी मार्च का इसने अब तक बांटा नहीं। दूसरी बात यह है कि हम चाह रहे हैं कि इसने जो किया कि उसकी निष्पक्ष जाँच हो और हमारे जो दोनों गाँव के लिए अलग से प्रस्ताव बना के दोनों ही डीलर अलग अलग गाँव को दिए जाऊँ। 2021 में हमारे गाँव में राशन बटा और 23/11/21 में दो दिन में हमारे यहाँ उसने राशन बांट दिया, जिसमें APL के सभी आदमियों के पात्रों के साइन कर दिए गए, जिसमें दो तीन साइन ऐसे हैं जो 2017-18 में एक्सपायर हो चुके थे, उनके नाम पर भी राशन वितरित कर दिया गया। जब वो 2017-18 में एक्सपायर हो गए थे तो उन्हें राशन कहाँ से वितरित किया गया? ग्रामीणों का ये कहना था कि वर्तमान में जो राशन डीलर है उसकी काफ़ी शिकायतें हैं, समय पर राशन ना देना, फर्जी तरीके से साइन कर लेना और राशन ना देना, और कुछ डिजिटल राशन कार्ड ना बांटने की शिकायत भी है। तो मैंने तहसीलदार और जिला तहसीलदार को ये जो सप्लाई इंस्पेक्टर लक्सर हैं इनके एक ज्वाइंट टीम बना दी, मौके पे जाके जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लेखपाल भी रिश्वत मांग सकते हैं? जी हाँ, खबर अमेठी से है जहाँ तिलोई तहसील से एक लेखपाल पैमाइश के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगने का आरोप है। दरअसल आरोप है कि पीड़ित से लेखपाल देवी प्रसाद मिश्रा ने 500-500 रुपए ले रहे हैं और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में आप भी साफ देख सकते हैं कि लेखपाल को एक व्यक्ति रुपए दे रहा है जिसे लेखपाल द्वारा अपने हाथ में लेकर गिना जा रहा है और तत्काल किसी का फोन आए तो बात करने को मना कर दिया जा रहा है। फिलहाल न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरने की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अपराध स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा पर चर्चा की गई। गोंडा में स्कॉर्पियो कार में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कार आशाराम आश्रम के अंदर खड़ी मिली, जहां दरअसल 4 दिन से लापता युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी, तो वही आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव छिपाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बेमौर गांव के पास ये आश्रम है। कन्नौज में भीखौफ चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी, जहां घर के बाहर खड़ी कार से राई और स्टेपनी चोर उखाड़ के ले गए। वही चोरी करते सीसीटीवी में ये पूरा वीडियो कैद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर तलाशी शुरू कर दी है। गदरपुर में विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलवंत नगर गांव में एक प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां फैक्ट्री में विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो वहीं मालिक के खिलाफ विद्युत चोरी की तहरीर पुलिस को दे दी गई है।